इसने एक वीडियो अपलोड किया, इसने एक वीडियो अपलोड किया, इसका वीडियो इसने देखा, इसका वीडियो इसने देखा, एक दूसरे का वीडियो देख देख कर कॉपी पेस्ट कर लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। और आप भी करोगे अगर देखोगे इस वीडियो को पूरा। सारा सब कुछ मैंने डेटा ओपन करके रखा है दोस्तों, और आप जब उस डेटा को देखोगे तो आप शौक रह जाओगे। मैं इतनी ज़बरदस्त आपको गारंटी दूंगा, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतनी तेज़ी से इस कैटेगरी में आखिर ये कैसे ग्रो हो रहे हैं। वो तो ग्रो हो ही रहे हैं और हो ही चुके हैं, लेकिन उनके वीडियो को देखकर कोई अदर वीडियो क्रिएट कर रहा है, चैनल क्रिएट कर रहा है, उनके चैनल पर भी जीरो सब्सक्राइबर होने के बाद लाखों में व्यूज आ रहे हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, 1000% प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। मजाक यहां पर कोई भी नहीं होने वाला है। और वैसे भी मैं आपको आज तक की वीडियो में बिना प्रूफ वाली कोई बात करता ही नहीं हूं। आप अगर डेली के व्यूअर हो तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है। तो सारा सब कुछ डेटा मैंने ओपन करके रखा है दोस्तों। फिर से एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अगर आप इनकी तरह लाखों में अर्निंग करना चाहते हो तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो डेटा है उसको आपको पूरी तरीके से सोचना, समझना है, अच्छे से देखना है, और फिर इस कैटेगरी में अगर चाहते हो वर्क करना तो जरूर ही करना है। आप भी इनकी तरह अर्निंग करने वाले हो। तो सबसे पहले देख लेते दोस्तों, मैंने एक चैनल के एक वीडियो को ओपन करके रखा है। ये वीडियो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अपलोड हो चुका है 4 अगस्त 2022 को, और इस पर 1.7 मिलियन के आसपास व्यूज आ चुके हैं। और देख लीजिए, ये तो एक वीडियो रहा, इसी चैनल का मैंने दूसरा वीडियो यहाँ पर ओपन करके रखा है दोस्तों। ये वीडियो अपलोड हो चुका है 23 अगस्त 2022 को, और इस वाले वीडियो पर 1.2 मिलियन के आसपास व्यूज आ चुके हैं। अब ये वीडियो और ये वीडियो एक ही चैनल का है, और इन दोनों वीडियो के चैनल को मैंने ओपन करके रखा है इस वाले टैब के अंदर, और यहां पर देखो किस तरीके से आपके सामने मैजिक होता है। यहां पर इनके चैनल का नाम है माय सिनेमा। ये चैनल लगभग 1 या 1.5 मंथ पहले क्रिएट हो चुका है, और सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ के अंदर इन्होंने अपने चैनल पर 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। यह कोई मजाक वाली बात नहीं है। अगर देखा जाए इनके वीडियोज़ की तरफ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, 1 मंथ पहले अपलोड वीडियो है 1.9 मिलियन व्यूज है, 1 मंथ पहले अपलोड है 1.6 मिलियन व्यूज है, 3 वीक्स एगो अपलोड है 1.4 मिलियन व्यूज है, 1 मंथ एगो 1.1 मिलियन व्यूज है, 2 मंथ एगो 5 लाख व्यूज है, और यहाँ पर देख लीजिए 2 मंथ एगो 4.5 लाख व्यूज है, 2 वीक्स एगो अपलोड है 3,15,000 व्यूज है। और ये सिलसिला यहां पर खत्म नहीं होने वाला है। जितने वीडियो भी आपको इनके चैनल पर देखने को मिलते हैं ना, वो कम समय के अंदर लाखों या मिलियंस में व्यूज हासिल करने वाले वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल वीडियो इनके चैनल पर आपको सिंगल एक भी देखने को नहीं मिलता है। ये कैटेगरी ही ऐसी है। अगर देख लीजिए, अब सॉरी माफ करना, यहां पर ये एक थंबनेल था, वीडियो था, ये एक वीडियो था। अब इनके थंबनेल को देखो, ये थंबनेल है इस वीडियो पर, और ये अगला वीडियो है, ये थंबनेल है इस वीडियो पर। अब इन दोनों थंबनेल को किसी दूसरे ने देखा, वीडियो अपलोड किया, देख लो ये रहा वो वीडियो, ये थंबनेल एक वीडियो का रहा, ये रहा वो थंबनेल। अब देख लो, ये रहा दूसरा थंबनेल और ये रहा वो दूसरा थंबनेल। ये एक अलग चैनल है, देख लीजिए, ये एक मतलब सेम चैनल है। अब दूसरे जिन्होंने देखा इन दोनों वीडियो को, देख लो, अब इन्होंने देखा एक एक थंबनेल को अपने एक ही वीडियो में लगा दिया है, और साउथ मूवीज़ की शूटिंग कैसे की जाती है ऐसा टाइटल रख के वीडियो अपलोड कर दिया है। आप देख लो, इनके वीडियो पर इतने ज़्यादा मतलब 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने के बाद भी इन्होंने उनके थंबनेल को देखा, वीडियो को देखा, सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया। और इनके 18 सितंबर मतलब 2 दिन के अंदर, यहाँ पर देखा 2-4 दिन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 86,000 इनको व्यूज़ मिल चुके हैं। अब इनके व्यूज़ तो कुछ भी नहीं है, इनके पास 0 सब्सक्राइबर पर मतलब कम सब्सक्राइबर होने के बाद भी इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। मतलब क्या समझ में आता है कि ऐसी कैटेगरी के ऊपर आप जब वीडियो बनाओगे तो न्यू चैनल को यूट्यूब बूस्ट कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। 0 सब्सक्राइबर होने के बाद भी कुछ ऐसे चैनल है, मैंने तो 2 ही निकाले हैं, अगर ढूंढता तो मुझे और भी मिलते, ये मुझे पक्की गारंटी है। तो 2 चैनल को देख लेते हैं जिनके ऊपर 0 सब्सक्राइबर थे लेकिन व्यूज जो है लाखों में आ चुके हैं। देख लीजिए, यहां पर मैंने ओपन करके रखा दोस्तों, ये एक ऑदर चैनल का ऑदर वीडियो है, सेम है, ब्रह्मास्त्र मूवीज की बिहाइंड द सीन कैसे की जाती है वो इन्होंने दिखाया है। देख लीजिए, चैनल पर 0 सब्सक्राइबर थे
इससे पहले कि ये वीडियो अपलोड हो जाए। वीडियो पर आ चुके ये वीडियो जैसे अपलोड किया 151,000 व्यूज आ चुके हैं, उस हिसाब से इनको 400 सब्सक्राइबर यहाँ पर मिल चुके हैं। अब ये तो एक चैनल का एक वीडियो रहा, चलिए दूसरा वीडियो भी दिखा देता हूँ यार। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक दूसरा चैनल है, इन्होंने भी क्या किया है, मेकिंग ऑफ ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मूवीज की बिहाइंड द सीन इन्होंने दिखाई है। अब इन्होंने दिखाई है मतलब खुद से क्रिएट किए क्या, नहीं की है, कहीं से कॉपी पेस्ट ही तो की है। वैसा आपको भी करना है लेकिन प्रूफ पहले देखना है। देख लीजिए इनके चैनल पर 75 सब्सक्राइबर अवेलेबल है, 75 सब्सक्राइबर अवेलेबल है, लेकिन व्यूज कितने हैं, 31,471 व्यूज है इनके वीडियो पर। देख सकते हो किस तरीके से ग्रो हो रहा है 0 सब्सक्राइबर के साथ। ये भी 75 सब्सक्राइबर इनके चैनल पर अवेलेबल नहीं थे इससे पहले कि वीडियो अपलोड हो, जैसे वीडियो अपलोड हुआ व्यूज आए उस हिसाब से इनको 75 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने ज़्यादा व्यूज जो है इस कैटेगरी में आपको मिल रहे हैं, किस तरीके से आपको इनके थंबनेल के ऊपर ही वो जादू है, बाकी तो वो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं एक दूसरे का देख देख कर। थंबनेल किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आगे दिखाने वाला हूँ दोस्तों। अगर थंबनेल आपने किसी तरीके से क्रिएट किया तो बाकी तो आपको सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करना है, आप इजीली लाखों में अर्निंग करने वाले हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि इनके चैनल पर 25,000 अगर सब्सक्राइबर है तो ये चैनल क्या मोनिटाइज है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनका चैनल मोनिटाइज है या नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर भी लाखों में आप अर्निंग करने वाले हो, विद प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ। इनके चैनल पर मैं मोनेटाइज नहीं है इसकी मतलब थोड़ी सी शंका है मुझे, या कह सकते हो कि इतना मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनके चैनल पर थैंक्स का बटन नहीं है। थैंक्स का बटन ना होने के बाद भी चैनल मोनेटाइज होता है ऐसा नहीं है, थैंक्स का बटन मोनेटाइज होने के बाद खुद से जाकर बहुत अंदर जाकर इनेबल करना पड़ता है, तो हो सकता है इन्होंने इनेबल नहीं किया होगा, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इन्होंने इनेबल जो है उस बटन को नहीं किया होगा। अब देख लीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके चैनल मोनेटाइज ना होकर भी ये कैसे पैसे कमा सकते हैं, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये देख लीजिए मैंने ओपन करके रखा है इस वाले वीडियो को, अब इनके चैनल के ऊपर देख लीजिए दोस्तों, इनकी ये जो है सेमी हाउ टू मूवीज मतलब VFX या बिहाइंड द सीन कैसे बनाई जाती है इन्होंने वीडियो अपलोड किया है। अब इस वाले वीडियो के अंदर ये एक प्रोबो ऐप है या वेबसाइट है जो कि इनके वीडियो को स्पॉन्सर की है, देख लीजिए इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वेबसाइट का लिंक है, और इस तरीके से जो है ये अर्निंग करते हुए दोस्तों आपको दिखाई देते हैं। चैनल मोनेटाइज नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्पॉन्सरशिप से अर्निंग कर लोगे, और आपको मैं बता दूं कि स्पॉन्सरशिप की जो अर्निंग होती है वो एडसेंस मतलब एडसेंस की जो अर्निंग होती है वो स्पॉन्सरशिप के आगे जीरो होती है, ये इतना तो आपको भी पता है क्योंकि स्पॉन्सरशिप ही एक मेन जरिया होता है यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा पैसा छापने के लिए, और वही जरिया आपको मोनेटाइज नहीं होता है तो आप उससे अर्निंग कर सकते हो। बस अर्निंग तो आप किसी भी तरीके से कर ही सकते हो, बस आपके पास वो ऑडियंस होनी चाहिए, मतलब एक्टिव ऑडियंस होनी चाहिए, वो दुनिया के किसी भी फील्ड में हो तो आपको पैसे छापने से कमाने से किसी का भाप भी नहीं रोक सकता, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो आपके मन में ये मत आने देना कि चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मेरी अर्निंग नहीं होगी। मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये चैनल मोनेटाइज नहीं है इसकी गारंटी नहीं है, बस मैं आपको एक बता रहा हूँ क्योंकि थैंक्स का बटन नहीं है इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन थैंक्स का बटन इन्होंने इनेबल नहीं किया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ये हो सकता है ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोनेटाइज नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते हो, जरूर कमा सकते हो, बस आपके पास एक्टिव ऑडियंस होनी चाहिए जो कि इन चैनल के पास, इस चैनल के पास 25,000 सब्सक्राइबर इन्होंने बहुत कम समय में हासिल किए हैं। अगर मैं इनके चैनल को विजिट करने के बाद दोस्तों इनके रिसेंटली वीडियोज दिखाऊँ, देखो यहाँ पर निवेस्ट वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख लीजिए निवेस्ट वीडियो के अंदर 4 days वीडियो अपलोड एगो अपलोड है और 178,000 इस वाले वीडियो पर व्यूज आ चुके हैं। अब इस चैनल के ऊपर किस तरीके की वीडियो अपलोड की जाती है मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। हर एक मूवीज की बिहाइंड द सीन जो होती है वो अपने चैनल पर ये अपलोड करते हैं। यार एक या डेढ़ मंथ के अंदर 25,000 सब्सक्राइबर इन्होंने हासिल किए हैं, इनके चैनल के वीडियोज के ऊपर व्यूज देखोगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं। तो इन्होंने कहीं से मतलब बिहाइंड द सीन क्या खुद से शूट थोड़ी की है, वो भी तो कहीं से कॉपी पेस्ट की है ना। तो आपको भी वही करना है, आप कॉपी पेस्ट करने के लिए बिहाइंड द सीन आपको कहाँ मिलेगी, आप ऐसा सोचना मत, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा, बस वो इंसान चाहिए जो कि उसे सर्च कर सके कि उसको क्या चाहिए। तो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको आके सर्च करना है इस मूवीज़ की बिहाइंड द सीन,
आपको इस नाम से सर्च करना है, आपको बिहाइंड द सीन हजारों में मिल जाएंगे, तो उसी को आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है, उसमें अपनी वॉइस ऐड करनी है। अगर फेस के साथ आप दिखाओगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन वॉइस मतलब फेस फिर भी ऐड नहीं करना चाहते तो मत करो, वॉइस तो ऐड कर सकते हो, जरूर कर सकते हो यार, आप मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर हो, वॉइस तो ऐप जरूर ऐड कर सकते हो आप पर, जो है मुझको इतना तो भरोसा अच्छी तरीके से है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब इनके थंबनेल के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं, क्योंकि थंबनेल के ऊपर ही इनका सारा जादू है, जिस वजह से इनके वीडियोज पर लोग जो है देखते ही क्लिक कर रहे हैं। इनके थंबनेल के ऊपर दोस्तों, ये कोई थंबनेल है, मतलब इनके थंबनेल के ऊपर आप जब देखोगे, मैं जैसे ही इसके ऊपर कर्सर ले रहा हूँ तो ये प्ले ही हो रहा है, मतलब थंबनेल बताने का मुझे चांस नहीं मिल रहा है ना, तो मैं क्या कर दूंगा इस वाले थंबनेल के ऊपर जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये एक ट्रेलर के अंदर की सीन है, सीन को इन्होंने अपने स्मार्टफोन के अंदर प्ले किया, स्क्रीनशॉट लिया, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके पीछे का बैकग्राउंड पिक्स आर्ट से हो या बैकग्राउंड इरेसर से हो, तो वहाँ से इन्होंने बैकग्राउंड उसके पीछे का हटा दिया। अब इसके पीछे देखो लो, ये जो ब्लू में जो दिखा देता है ना आपको पर्दा, या कह सकते हो जो भी है ग्रीन स्क्रीन, तो इन्होंने गूगल से ग्रीन स्क्रीन की फ़ोटो डाउनलोड की और इस फोटो के ऊपर ये जो मूवीज़ की सीन है वो इस तरीके से चिपका दी। अब ये इतना बड़ा जो कैमरा है वो क्या इनके सामने था? नहीं था, ये इन्होंने कैमरा भी गूगल से डाउनलोड किया है, उसकी बैकग्राउंड जो है इरेज कर दी है और वो भी इसके ऊपर चिपका दिया है। ये पेड़ पौधे ये सब कुछ बना बनाया है, ऐसा नहीं है कि उस बिहाइंड द सीन के सामने ऐसा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इन्होंने अपने थंबनेल के जरिए ही कुछ ऐसा एक कह सकते हैं जो स्टोरी क्रिएट किया है, जिसकी वजह से एक देख लीजिए ये आड़ा टेढ़ा कैमरा है, पीछे ग्रे ब्लू का बैकग्राउंड है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार मूवीज की शूटिंग ऐसे हो सकती है, इतने सामने उनके कैमरा इतना बड़ा है लेकिन फिर भी ये मतलब एक्टिंग कर सकते हैं, तो लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं। अब ये देख लो, इनको भी देखोगे ना सेम टू सेम प्रोसेस है, ये ट्रेलर के अंदर की ही एक सीन है, इस सीन को स्क्रीनशॉट मोबाइल में प्ले किया, उस ट्रेलर को स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके पीछे का बैकग्राउंड इन्होंने इरेज कर दिया, पीछे एक ग्रीन स्क्रीन लगा दी, ये इस तरीके से कर रहे हैं। अब ये जो आपको इतना बड़ा कैमरा दिखा देता है, तो क्या इतना बड़ा कैमरा उनके सामने था? नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसा दिखाया है ताकि इनको अच्छी तरीके से व्यूज आए। इस थंबनेल को देखने के बाद लोगों के मन में ये सवाल आता है कि यार इतना बड़ा कैमरा आड़ा टेढ़ा इस तरीके से होगा और फिर भी ये शूटिंग कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों के मन में सवाल आते ही वो तुरंत उस वीडियो पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वीडियो के अंदर जो है पूरी की पूरी उस मूवीज की बिहाइंड द सीन चलने वाली है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कुछ सोच के रखा था मैं आगे आपको बताऊं, लेकिन मैं वो भूल गया दोस्तों, क्योंकि डेटा इतना बताने के बाद जो है कुछ ऐसी बातें भी एक दो हो सकती है जो कि मैं भूल गया हूँ। लेकिन आपको किस तरीके से इसका थंबनेल क्रिएट करना है, थंबनेल के ऊपर ही आपको सारा जोर लगा देना है, सारी मेहनत लगा देनी है, जिसकी वजह से लोग आपके वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। अब वो कैसे हो जाए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए लाइव प्रूफ के साथ देख लेते हैं कि किस तरीके से ऐसे वीडियोस की थंबनेल क्रिएट की जाती है। तो चलिए दोस्तों, जिस किसी मूवीज का आप बिहाइंड द सीन कॉपी पेस्ट करने वाले हो, उस मूवीज के ट्रेलर के फोटो को आपको आपकी गैलरी में सेव कर लेना है। तो जैसे कि मैंने देख सकते हो ट्रिपल आर के इस फोटो को या इमेज को गैलरी में सेव कर लिया है। आप साथ ही साथ में आपको गूगल पर जाकर आपको मूवीज के क्रेन कैमरा की PNG को आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कुछ कैमरा जो है डाउनलोड कर ली है, क्रेन कैमरा। इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या ही कैमरा है, मूवीज शूट करने के लिए इतना बड़ा कैमरा शूट किया जाता है, मतलब अरेंज जाता है मूवी शूट करने के लिए। ये देख लो इतना बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा है। ऐसे ऐसे आपको कैमरास आपके थंबनेल के अंदर लगाना है, जिसको देख के मतलब देखने वालों के मन में आशा आना चाहिए कि यार इतना जबरदस्त तो कैमरा यूज होता है मूवी शूट करने के लिए। तो ऐसा ऐसा आपको कैमरा जो है आपके थंबनेल के ऊपर लगा देना है। जैसे कि मैंने ये देख लीजिए एक गैलरी में सेव कर लिया, गूगल से मैंने इस इमेज को सेव कर लिया दोस्तों। अब इस इमेज का जो बैकग्राउंड है हमें वो इरेज करना है, और साथ ही साथ में ये देख लो ये एक इमेज रही, इसका भी हमें बैकग्राउंड इरेज करना है। हमें इस तरीके से इरेज करना है जैसे कि हमारा थंबनेल एकदम जबरदस्त और ढांसू क्रिएट हो जाए। तो इरेज करने के लिए बैकग्राउंड सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर ये रहा वो ऐप, आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। यहाँ से आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। अब इंस्टॉल करने के बाद हमको वो फोटो सेलेक्ट करनी है, इसके लोड फोटो के ऊपर क्लिक कर दो दोस्तों। क्लिक करने के बाद जो है आपको वो फोटो सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं यहाँ पर रिसेंट के ऊपर ही रह देता हूँ।
देख लो, ये वो फोटो रही जिसका बैकग्राउंड हमें इरेज करना है, और साथ ही साथ में ये भी एक फोटो रही जिसका बैकग्राउंड हमें इरेज करना है। तो सबसे पहले इसका इरेज करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखो, हमें अगर प्लेन बैकग्राउंड रहा ना दोस्तों, तो इस कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है। अब इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इस वाले एरो को हमें इस जगह पर जिसका जिस बैकग्राउंड को हटाना है उस जगह पर आपको इस वाले एरो को लाकर छोड़ना है। जैसे कि देख लो, यहाँ पर मुझे ये बैकग्राउंड हटाना है, तो यहाँ पर लाके इसको छोड़ दूंगा। देखो, ये वाला हटाना है, यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। ये बीच का हटाना है, यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। ये हटाना है, यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। ये भी हटाना है, यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। अब बचा कुचा ये रहा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये जो दिखा देता है आपको, ये हटाने के लिए आपको मैनुअल पर क्लिक कर देना है दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से जो है ये आपको मैनुअली बाकी जो छोटा छोटा बैकग्राउंड रह गया है उसको आपको इरेज कर देना है, क्योंकि ये हमें जो है प्रॉब्लम देगा बाद में इस तरीके से। अब देखो, यहाँ पर जो है इनका जो ड्रेस है थोड़ा सा कट हो चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपेयर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। रिपेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और उनका जो ड्रेस है वो चला गया, उसको फिर से मैं ला देता हूँ इस तरीके से। देख लो, यहाँ पर आपको भी इसी तरीके से करना है दोस्तों। अभी इसका जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो चुका है, तो अब हमें इस पर डन के ऊपर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है। और एक फोटो है जो कि हमें कैमरा के लिए नहीं है, उसका भी बैकग्राउंड इरेज करना है। इस तरीके से पीछे जाओ, स्टॉप एडिटिंग कर दो। अब फिर से हमें वो दूसरी वाली फोटो यहाँ पर लोड फोटो के ऊपर क्लिक करके वो फोटो सिलेक्ट करनी है, ये वाली। अब इसका भी हमें बैकग्राउंड इरेज करना है, डन के ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक कर देने के बाद जो है कलर के ऊपर क्लिक कर दो, और जो बैकग्राउंड हटाना है उस पर लाके इस एरो को छोड़ देना है इस तरीके से। जैसे कि ये वाला भी हटाना है, ये वाला हटाना है, ये वाला भी हटाना है, और ये जो बीच का है वो भी हटाना है इस तरीके से। देख लो, कहाँ कहाँ पर बैकग्राउंड है जो कि आप हटाना चाहते हो, उस तरीके से इस एरो को वहाँ पर लाके बीचों बीच छोड़ देना है, वो बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। देख लो इस तरीके से। अब बचा कुचा जो बैकग्राउंड है वो हमें मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद जो है इस तरीके से उस बैकग्राउंड को हमें इरेज करना है दोस्तों। देखो इस तरीके से, अब ये भी इरेज हो चुका है। तो फाइनली हमारा जो काम है वो फोटो का थंबनेल बनाने का है, मतलब हमारी वीडियो की थंबनेल बनानी है। इसको डन कर दो, गैलरी में सेव कर दो, कर दिया है। अब हमें जाना है दोस्तों पिक्स आर्ट इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम थंबनेल बनाने के लिए पिक्स आर्ट इस एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। और आने के बाद जो ये इमेज जो दिखा देती है वो थंबनेल के साइज की एक इमेज है। तो अब हमें जो हमने बैकग्राउंड इरेज किया है उस दो फोटो को यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए कैसे इंसर्ट करोगे। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करो, आपको एक फोटो का ऑप्शन दिखा देगा, ये वाला। इस पर क्लिक करके हमें वो दो फोटो जो यहाँ पर इंसर्ट कर लेनी, ये एक रही, ये दो रही, और इंसर्ट कर दिया। कर देने के बाद दोस्तों इस तरीके से कैमरा को हमें इस तरीके से इस तरफ ला के रखना है। अब इस वाले फोटो को हमें इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर देना है, और इस फोटो को और भी बड़ा करना पड़ेगा। देख लो इस तरीके से बड़ा कर दिया इस फोटो को, नहीं बहुत बड़ी हो गई, छोटा कर दिया। आप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना दोस्तों कि किस तरीके से आप क्या एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि इस फोटो को मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया है। अब ये जो कैमरा है दोस्तों, इस तरीके से जो है हमें बड़ा करना है। अब बड़ा करना है, लेकिन इस कैमरे का जो फेस है वो इस तरफ है, तो इस तरफ करना है। वो कैसे करोगे, इस फोटो को सेलेक्ट करो दोस्तों, और यहाँ पर देख लीजिए आपको एक रोटेट का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला। इस पर क्लिक कर देने के बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, दूसरी तरफ ये मुड़ जाएगा। देख लो इस तरीके से मुड़ चुका है। अब इसको ना हमें इस तरीके से थोड़ा सा बाहर लेके जाना है दोस्तों। अब ये हमारा एक थंबनेल का एक फोटो रहा, इस तरीके से आ चुका है दोस्तों। देख लो इस तरीके से आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके पीछे दोनों फोटो के पीछे हमें ग्रीन बैकग्राउंड लगाना है। वो कैसे लगाओगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बैकग्राउंड सर्च करके ग्रीन वाला एक बैकग्राउंड इस तरीके से ले लिया है। अब इस बैकग्राउंड को हमें क्या करना है, इन दोनों फोटो के पीछे, इस वाले फोटो को और इस वाले फोटो के पीछे भेजना है। तो कैसे भेजोगे, इस तरीके से इसको सबसे पहले तो हमें एक मिनट, ये दूसरा कुछ हो गया, इसको सिलेक्ट करो दोस्तों। और इस तरीके से हमें सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को बड़ा करना है दोस्तों, और इस तरीके से स्ट्रेच करके यहां पर इस तरीके से बड़ा करना है, पूरे स्क्रीन को कवर करना चाहिए। अब इस बैकग्राउंड को हमें पीछे ढकेलने के लिए यहां पर क्लिक करो, ये ऑप्शन रहा, इस पर क्लिक करो, और सेंड टू बैक, मूव बैक, इस पर क्लिक करना है। देखो ये पीछे जा चुका है, एक के बाद एक, मतलब कैमरा के पीछे जा चुका है। और पीछे ढकेलना है तो और एक बार क्लिक करो, ये देखो पीछे जा चुका है दोस्तों। इस तरीके से ये पीछे आ चुका है, और आने के बाद जो है दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा जो थंबनेल है वो एकदम परफेक्टली तरीके से क्रिएट होता, एक मिनट ये क्या हो रहा है, क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब इसको हमें ओके पर क्लिक कर देना है दोस्तों।
क्लिक कर देने के बाद इस तरीके से हमारा एक छोटा सा थंबनेल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी गड़बड़ी लग रही है क्योंकि इनका फेस भी इरेज हो चुका है, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको ध्यान देना है अच्छी तरीके से दोस्तों। इस तरीके से बड़े बड़े कैमरा आपको यहाँ पर ला के रखने हैं ताकि उनको देखने पर लगे कि यार इस तरीके से इस मूवीज़ का कैमरा था, इतना बड़ा कैमरा इस मूवीज़ को शूट करने के लिए यूज़ किया था, तो इस तरीके से उनको लगना चाहिए। ऐसे ऐसे मैंने तो आपको ये गड़बड़ी में इस तरीके से एक छोटा सा एक आइडिया दिया है कि ऐसे क्रिएट किया जाता है, लेकिन आपको पूरा टाइम देख के अच्छा सा क्रिएट करना है दोस्तों और अपनी वीडियो को अपलोड करना है। और इस कैटेगरी में तो मैंने प्रूफ तो आपको दिखाई दिया कि कितने कम समय में चैनल ग्रो हो रहे हैं। अगर आप करना चाहते हो वर्क इस कैटेगरी में तो डेफिनेटली वर्क करना, आपको भी उस तरीके की सक्सेस मिल सकती है अगर आप डेली बेसिस पर काम करते हो तो। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बता दिया, दिखा दिया कि किस तरीके से आपको जो है ऐसे वीडियोस को बनाना है, किस तरीके से इसका थंबनेल बनाना है और वीडियोस जो है कहां से लेनी है, सब कुछ मैंने डेटा आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर आपने स्किप कर करके देखा होगा तो नीचे आप जरूर कॉमेंट करके कुछ ना कुछ सवाल पूछोगे जो कि आपने वो गलती की है वीडियो को स्किप करने की, लेकिन फिर भी कुछ सवाल आपके मन में आता है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ लीजिए, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, या टाइम मिलने के बाद तो मैं देता ही देता हूं, वो तो आपको भी पता है दोस्तों। तो अभी मैं क्या चाहता हूं पता है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब के बिना मुझे मत जाना, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं आपको ऐसे ही कैटेगरी आपके सामने लाते रहता हूं जिसमें जीरो कॉम्पिटिशन होता है, ना तो कोई फेस होता है, वॉइस हो सकती है, तो इतनी ज़्यादा तरीके से अच्छे अच्छे अमेजिंग कैटेगरी आप मिस कर सको वो तो मैं नहीं चाहता, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा मत जाना और वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक तो जरूर ही कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले स्पेशल और फ्रेश वीडियो के अंदर।